हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि करेगी जब हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलती है। देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा गठबंधन तैयार होगा। समझौते पर शर्तों की तारीख पड़ गई। कुछ तारीखों में यह तय होगा समझौता होगा कैसे, कौन शर्तें मानता है और क्या क्या नई शर्तें सामने आती हैं। वाकई ये सिर्फ शर्त मनाने का खेल है या मामला कुछ और हो गया है, क्योंकि इस राजनीति को हम आप समझ नहीं पाते हैं। दरअसल ये राजनीति होती इसलिए है क्योंकि हम और आप नागरिक नहीं बचे हैं, हम और आप वोट बैंक हो गए हैं। कोई जाति की वजह से किसी का वोट बैंक हो गया है, कोई संप्रदाय की वजह से किसी का वोट बैंक हो गया है। दरअसल हम कहने को खूब अपने आप को भारतीय कहते हैं, लेकिन आधा सच यह है कि हम भारतीय से ज्यादा किसी पार्टी किसी नेता का हो गए हैं। हम बसपाई हो जाते हैं, सपाई हो जाते हैं, कांग्रेसी हो जाते हैं, भाजपाई हो जाते हैं, वामपंथी हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, दलित हो जाते हैं, ब्राह्मण हो जाते हैं, यादव हो जाते हैं, कुर्मी हो जाते हैं। फिर हम भारतीय बचते कितना है, बस इसी का फायदा ये राजनेता उठाते हैं और यहीं से हमें आपको पता ही नहीं होता है कि हम और आप कैसे बिक जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सम्मानजनक समझौता, अंतरात्मा की आवाज। राजनीति के ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सियासी बाजार में सौदेबाजी का मोहताज हैं। सम्मान की कीमत मिलते ही तमाम समझौते हो जाते हैं और आत्मा का सौदा होते ही अंतरात्मा बोल पड़ती है। तो सम्मानजनक समझौता का मतलब है क्या? दरअसल सरकारों में इसका मतलब मंत्रिमंडल, बोर्ड और निगमों में हिस्सेदारी होता है और चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे में उम्मीदवारी होता है। सपा व बसपा की आई नजदीकी को लेकर जो किस्म किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ये नजदीकी अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बनी है, बल्कि केंद्र व खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इनकी गलत नीतियों में गलत कार्यशैली की वजह से जो अब देश की आम जनता जबरदस्त परेशानी में है, जिसे गंभीरता से लेते हुए ही हमने देश व जनहित में ये तालमेल बनाने के बारे में हम लोगों ने ये कदम आगे बढ़ाया है। तो कल तक सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए किसी भी समझौते को तैयार बीएसपी अब सम्मानजनक समझौते वाली शर्त तक पहुंच गई। जाहिर है अब सौदेबाजी शुरू होगी, क्योंकि सत्ता के बाजार में फिलहाल हिस्सेदारी कम है और हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता मजबूरी है। लेकिन वोट के मामले में बीएसपी का हिस्सा बाकी सबसे ज्यादा है, तो कीमत भी ज्यादा चाहिए, तो फिर कीमत चुकाए को लगे हाथ सपा ने कह दिया कांग्रेस अपना दिल बड़ा करे। न केवल हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। और मैं समझता हूं आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा गठबंधन तैयार होगा। हम समाजवादी लोगों को कुछ काम कर लेने दो, साइकिल चला लेने दो, बस आज विश्वकर्मा जयंती मना लेने। वो क्या है ना, बड़े दिल से ही बड़ा सौदा होता है और छोटे मोटे सौदे से सत्ता मिलती नहीं है। सत्ता चाहिए तो दिल तो बड़ा करना ही होगा। अब कांग्रेस को अगर सत्ता मंजूर हो तो दिल बड़ा करके नक्की कर ले, सौदा मंजूर ना हो तो बाजार का कोई और माल देखे। लेकिन मजबूरी ये कि बाजार के दूसरे माल फिलहाल काम के हैं नहीं, और जो काम के हैं
उनके लिए क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी और क्या चुनाव से पहले वाली बातें और क्या चुनाव बाद होने वाले समझौते। जब सौदा ही करना है तो बात सिर्फ मुनाफे पर ही अटकनी है, और जब वोट बैंक होगा, सीटें होंगी, तो रेट तो हाई हो ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। आज हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी से संजीव कुमार मिश्रा जी हैं, संजीव मिश्रा जी। कांग्रेस से प्रवक्ता सैफ अली नकवी जी हैं, और समाजवादी पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी हैं। सभी लखनऊ स्टूडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। किशोर कुमार मालवीय जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे नोएडा स्टूडियो में है। स्वागत है आपका किशोर कुमार मालवीय जी इस कार्यक्रम में। सैफ अली नकवी साहब भाई, कहा जा रहा है कांग्रेस दिल बड़ा करे, हालांकि मायावती जी ने किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बहुत साफ कहा कि भाई सम्मानजनक समझौता होगा तभी हम करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले वो कह रही थी कि किसी भी कीमत पर करेंगे, समझौता करना है, सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाना है। अब कह रही है सम्मानजनक, अब बीच में एक ये शर्त आ गई। तो ये सम्मानजनक वाला शब्द मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए भी उतना ही होगा जितना कांग्रेस के लिए होगा। तो कैसे दिल बड़ा होगा? दिल बड़ा होता है राजनीति में तो क्या करता है वो दिल? सैफ अली नकवी साहब, अतित जी, कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जहां तक आपको बताना चाहता हूं जो गठबंधन का सूत्र बन रहा है इसमें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के आएगी। 18 राज्य 305 सीटों पे कांग्रेस हिंदुस्तान में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। जब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो हमारा पूर्व में भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ, पहले भी हमारा काफी पहले गठबंधन बसपा से रहा, गठबंधन विचारधारा का होता है। गठबंधन हमारी पार्टी के दरवाजे हर उस दल के लिए खुले हैं जो समान विचारधारा वाले हैं। जो आज की तारीख में दरवाजे किसके खुले किसके बंद वो बात नहीं है भाई। मायावती जी करेंगे सम्मानजनक हुआ तो करेंगे समझौता, इस पर आइए ना सर। आपके दरवाजे खुले हैं बंद है, इसको मायावती जी महत्व कहां दे रही हैं? जी असित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी गठबंधन पे जो बातचीत है या गठबंधन पे जो वार्तालाप है वो अभी शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। जहां तक पार्टी का सवाल है जमीनी स्तर पे, आप देख रहे हैं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तिरंगा वहां पे परचम फैला रहा है, भाजपा इस वक्त घबराई हुई है, भाजपा इस वक्त नर्वस हो गई है। एक के बाद एक उनका गठबंधन टूट रहा है, एक के बाद एक, चाहे पंजाब हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो उपचुनाव हो, भाजपा चुनाव पे चुनाव हार रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं लोकसभा चुनाव के बाद में 282 फूल खिले थे, आज सिर्फ 272 रह गए हैं। 13 लोकसभा उपचुनाव 2014 के बाद में हुए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी चार जीती है। इस मुद्दे पर आना नहीं चाह रहे जितेंद्र वर्मा जी, जीती है जितेंद्र वर्मा जी। भाई कुछ दिनों पहले तक तो कोई शर्त ही नहीं थी किसी भी सूरत में करना है, अब एक शर्त आ गई, और शर्त आई तो आपके नेता ने बड़ी ही चालाकी से वो शर्त सीधे कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर दी, जबकि मायावती जी ने नाम नहीं लिया था ना कांग्रेस का ना समाजवादी पार्टी का। उन्होंने कहा सम्मानजनक होगा तो करेंगे, नहीं तो और भी विकल्प खुले हैं। तो ये तो बात उतनी ही समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है जितनी कांग्रेस पर होती है। सीधे शिफ्ट कर दिया गया उधर कि भाई कांग्रेस को दिल बड़ा कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? दिल तो समाजवादी पार्टी का भी बड़ा होना चाहिए। आप लोग क्यों चाहते हैं कि आपका दिल छोटा रहे दूसरों का ही बड़ा रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है जो भी गठबंधन में दल हैं वो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मानजनक सीटें मिले, और बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन बनेगा और निश्चित तौर पे बनेगा, और मोदी जी को उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हराएगा भी, इसमें भी कोई शक नहीं है। मतलब वो सम्मानजनक हो जाएगा, जो सम्मानजनक टाइप का मसला है वो हो जाएगा। देखिए, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे गठबंधन दलों में बातचीत जारी है। हम अपने गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लोग झूठ फैला रहे हैं
या गठबंधन जोड़ने का कोई प्रयास कर रहे हैं वो लोग सफल मतलब झूठ कौन मायावती जी फैला रही हैं, अखिलेश जी फैला रहे हैं, कौन नहीं, फैला नहीं, रहा है? मायावती जी नहीं, मायावती जी के बयान को गलत तरह से पेश जो किया जा रहा है, जो उन्होंने बोला लोग वही बता रहे हैं उसको, क्या उसमें क्या अपने शब्द कोई थोड़ी मिला देगा, जो मायावती जी बोल रही है वो लोग सुन रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कह दिया कि दो चार कदम पीछे हटना होगा तो हम हटेंगे। जब स्पष्ट तौर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश को झूठ से आजादी दिलाने के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में समान विचारधारा के दल एक साथ आ रहे हैं, उसमें अगर कोई पीछे हटने की पहल करेगा, आवश्यकता होगी, तो मैं दो कदम पीछे हटने को तैयार हूं। संजीव मिश्रा जी पूर्व में भी ठीक है जी, संजीव मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी को खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज बीजेपी परेशान होगी, खुश कहां होगी। आज मोहन भागवत जी ने कांग्रेस की तारीफ कर दी, उसके बाद ये तक कह दिया कि भाई आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की बड़ी भूमिका, कांग्रेस ने देश को बड़े बड़े नेता दिए वगैरह वगैरह, न जाने कितनी बातें कह दी। तो मुझे लगता है आज तो बीजेपी के नेता थोड़े परेशान होंगे, तो खुश कहां से हो जाएं। लेकिन साहब ये मतलब कुछ दिन पहले ये होता है कि कोई शर्त नहीं होगी, हमें तो सांप्रदायिक लोगों से देश को मुक्ति दिलानी है, अहंकारी लोगों से इस देश को आजाद करना है, फिर जैसे ही अब कुछ वक्त बीता तो हमारी ये शर्तें होंगी। सम्मानजनक वाला को एक मसला आ जाता है, फिर कुछ दिन बाद जब चुनाव ना खत्म होगी तो अचानक अंतरात्मा जागती है। ये होता क्या है सर, चुनाव में सम्मानजनक, अंतरात्मा, इन सब वर्ड का मतलब क्या होता है राजनीति में? आशीष जी देखिए, विपक्ष जो है बड़ा हताश और निराश है, इनके पास लोकसभा चुनाव लड़ने के कोई मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे तो बहुत है सर, मुद्दों की कहां कमी है इस देश में? नहीं, ये मुद्दे होते तो ये लोग गठबंधन कर रहे होते। अरे तो आप भी तो 40 दलों के गठबंधन से सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब आप भी मुद्दों के चुनाव लड़े थे क्या? करते हैं, सुनिए उनको मालूम होता, 40 दलों के गठबंधन के सरकार को चला रहे हैं, बिना मुद्दों के चुनाव लड़े थे। मालूम होता है कि हमारे बस का कुछ नहीं है, हम सब ये न के न प्रकार मिल ले और किसी तरीके से सत्ता को के लालच में इस तरीके के गठबंधन होते हैं। मैं तो साफ कहूंगा कि अगर इन लोगों ने गठबंधन की बात करने वाले, अगर इन लोगों ने कुछ जनता के हितों के काम किए होते, अगर इनको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है, जनता के हितों के काम किए होते तो आज इनको गठबंधन करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, एक दल है जिसने 5 साल सरकार चलाई उत्तर प्रदेश में, आज 1.5-2 साल हो रहा है, ये तो कह रहे थे काम इनका बोलता, तो फिर जनता ने इनको इनका काम क्यों बुलवा दिया? काम बोल गया। समस्या यही है कि इतने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। आज भी इतने बड़े बड़े आएंगे जितेंद्र जी, सबके पास बारी बारी से आएंगे, वो इस तरीके के हैं कि उन्होंने इनको 225 के नीचे 47 तक पहुंचा दिया, लेकिन इनको आत्मचिंतन करने की जिनको जरूरत थी वो आज फिर जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। और जुगाड़ चाहे जितना कर ले, जब जनता नहीं तुम्हारे साथ तो फिर क्या मतलब रह जाता है? किशोर मालवीय जी, और देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक काम कर रही है, इनके पास मुद्दे नहीं है कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? ठीक है, रुकिए जितेंद्र जी रुकिए आएंगे। किशोर मालवीय जी, सर ये होता क्या है, मतलब कुछ दिनों पहले तक कोई शर्त नहीं थी, भाई करना है हमें, फला से देश को आजाद कराना है, ढिमका से देश को मुक्ति दिलानी है, और अब जब चुनाव नजदीक आने लगे तो अब ये शर्त, कुछ दिन बाद कुछ नई शर्त आएगी, फिर चुनाव से ठीक पहले अंतरात्मा बोलने लगती है। अच्छा, ये अंतरात्मा भी अजीब है, चुनाव से पहले ही बोलती है, उसके बाद ये सो जाती है। क्या है राजनीति में ये सम्मानजनक, अंतरात्मा, इन सब शब्दों का महत्व क्या है? देखिए, गठबंधन के दौर में चुनाव से पहले अपना वजन बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, और जहां तक सम्मानजनक शब्द का सवाल है, ये बड़ा सब्जेक्टिव शब्द है। अब सम्मानजनक आपने बताया नहीं कि सम्मानजनक क्या होगा, 40 में सम्मानजनक होगा या 45 में होगा या 30 में होगा, ये आपने बताया नहीं। लेकिन जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि 40 से नीचे वो नहीं जाएंगी और अखिलेश जी 30 पर मान जाए, बाकी लोग बंटवारा कर लें। तो ये सम्मानजनक क्या हुआ? सम्मानजनक आपके लिए हुआ, बाकी के लिए तो असम्मानजनक हुआ। और देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अखिलेश जी ने तुरंत बिना देरी किए ये कह दिया कि हम गठबंधन करेंगे और सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम दो कदम पीछे हटेंगे। लेकिन दो कदम पीछे वो नहीं हटे, उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ा दिया कि बलिदान आप दीजिए, और ये कहा कांग्रेस को कि आप दिल बड़ा कीजिए। देखिए, एक गांव में कहावत है ना, कमजोर की बीवी सबकी भुजाई,
कांग्रेस की हालत अभी उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में तो ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश में तीसरे विपक्ष में तीसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर जो पार्टी है, जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि 305 जगह पर वो अकेले लड़ेगी, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है कि केंद्र में सबसे ज्यादा सीट वही लाएगी। इसके बावजूद एक ऐसी पार्टी जिसने कि पिछले चुनाव में खाता तक नहीं खोला, वो शर्तें रख रही है। और शर्त किसको, किस पे रख रही है? जिन्होंने 5 सीटें जीती और जिन्होंने 2 सीटें जीती। तो ये दबाव बनाने की एक कोशिश है और ये साथ में एक अहंकार भी है। पिछले चुनाव में उन्होंने सबक नहीं लिया, ये अहंकार है। और उनको पता है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को पड़ेगी, क्योंकि उनका जो ये भ्रम है कि सिर्फ दलितों के सहारे चुनाव जीता जा सकता है और सारे दलित उनके साथ हैं, ये भ्रम 2014 में टूट चुका है। तो इसलिए अब उनको अपनी नीति में, अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। लेकिन 2014 में भी तो कांग्रेस की अपेक्षा उनका परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा रहा ही। नकवी साहब, देखिए आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे अलग मसला है, लेकिन आज कांग्रेस के पास कहने को ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में उसका अपना वोट बैंक है। आप जात की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति, ऐसी कोई ठेकेदारी आपकी पार्टी ने की ही नहीं, मायावती की पार्टी ने खुल के राजनीति की। तो कहने को है कि हमारे पास ये वोट बैंक है और साथ यही उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। आपके पास ये स्थिति है नहीं साहब। तो अगर बची हुई 10 सीटों में आप हैं, राष्ट्रीय लोकदल है, एक दो लोग और आ गए, बड़ी बुरी हालत होगी। तब तो बताइए 2, 4, 5, 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखिए असित जी, विपक्ष की यारी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी पे भारी। विपक्ष की एकता के लिए आपको एक मुट्ठी चाहिए, उस मुट्ठी के लिए कांग्रेस का हाथ के पंजे की जरूरत है। कांग्रेस न सिर्फ दल बड़ा है, कांग्रेस का दिल भी बड़ा है। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और कांग्रेस एक विचारधारा है, और हमारी विचारधारा सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए, मोदी जी के नीतिगत और बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो हमारी विचारधारा के साथ में आना चाहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ। कांग्रेस एक लोकतंत्र के, एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र का नींव का पत्थर है, और ये गठबंधन भी उसी नींव के पत्थर के ऊपर उसकी इमारत बनेगी। जहां तक बात है राजनीति की, हमारी पार्टी ने कभी भी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, मजहब की राजनीति नहीं की है। हम झूठ की राजनीति का अंत करना चाहते हैं और इस कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए जो शक्तियां हमारे साथ जुड़ेंगी उनका हम स्वागत करते हैं। मतलब एक संकेत है कि भाई आप दिल बड़ा करने को तैयार है, 5-6 सीटों पर चुनाव लड़ने को आप तैयार हैं। संजीव मिश्रा जी, देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी और अभी भी केंद्र में, केंद्र की का सबसे बड़ा विपक्षी दल, उसकी हैसियत यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 5-6-10 सीटों पर समझौता करने को ये पार्टी तैयार है कि भाई हम उतना पर ही लड़ने को तैयार हैं। क्यों ऐसे हालात बनते हैं राजनीति में? देखिए असित जी, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि देश में अगर दो बड़े दल हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी, जो इन्होंने बताया कि 18 राज्यों में और 305 लोकसभा की सीटों में लड़ेगी, तो मुझे लगता है कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जो है, अभी तक जो गठबंधन रहे उसमें 2 सीटें ही लगभग छोड़ी गई इनके लिए। और अब की तो हालात ऐसे बन रहे हैं कि उन 2 सीटों में भी निकलना मुश्किल है। तो ये जो गठबंधन बन रहा है, जो अवसरवादी गठबंधन जिसको मैं कहूंगा, जो डरे कमजोर थके दलों का गठबंधन कहूंगा, आपका बड़ा चैनल है, लाखों आपके दर्शक हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों की जब जब सरकारें रही है, कांग्रेस पार्टी तो 27 साल और 1.5-2 साल और हो गया, 28 साल के ऊपर का समय हो गया, ये तो 28.5 साल और यूपी बेहाल इनको कहना चाहिए, अब तो उनका नारा इस तरीके का होना चाहिए। ऐसे समय में ये जनता के हितों की कितनी लड़ाई लड़ते रहे, कांग्रेस पार्टी ने के साथ जनता कितनी है, कितना उत्तर प्रदेश में इनका संगठन है, कौन सा बहुत बड़ा इन्होंने सम्मेलन ही कोई किया होता तो हम समझते कि कांग्रेस पार्टी की कहीं कोई इनती गिनती है। लेकिन ये भी सच है कि देश में अगर कोई पार्टी है जिससे हमारा मुकाबला
थोड़ा बहुत जो होगा वो कांग्रेस पार्टी से होगा। अब उत्तर प्रदेश की ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दो अलग अलग विचारधाराओं के दल हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि जिन्होंने एक दूसरे का जितना विरोध किया उतना किसी राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में विरोध एक दूसरे का नहीं किया होगा। लेकिन बात वहीं आती है कि ये राजनीति का ऐसी चाशनी है जिसमें ये वो धुर विरोधी दल भी एकजुट होने के लिए तैयार हो गए कि जनता देख रही है, जनता जान रही है, जनता समझ रही है। उस चाशनी में तो सबने गोते लगाए हैं, उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति नहीं हुआ करती और देश की राजनीति में जो दल है उसकी कहीं गिनती नहीं है। मैं कहना चाहता हूं बहुत साफ, कांग्रेस पार्टी की कहीं गिनती नहीं है। ऐसे में हालात क्या है, अब तो सब बार्गेनिंग करेंगे ही करेंगे नकवी साहब, और जनता इन बार्गेनिंग करने वाले दलों को मुंह तोड़ जवाब देगी, ये लोकसभा का चुनाव तय कर देगी। ठीक ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेने, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद अब इस मुद्दे पर आते हैं कि क्या ये सिर्फ मायावती का प्रेशर पॉलिटिक्स है या तैयारी कोई और है, क्योंकि मायावती के लिए भारतीय जनता पार्टी भी कोई उस पार का मसला है नहीं, सरकार चला चुकी है एक बार, छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई चुनावी समझौता व गठबंधन आदि करेगी जब हमारी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलती है। देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश से हटे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा गठबंधन तैयार होगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, जितेंद्र वर्मा जी के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं जितेंद्र वर्मा जी। ये बताइए कि कितनी सीटें सम्मानजनक होती हैं और कितनी सीटें ऐसी होती हैं जो अपमानजनक हो जाती हैं। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बसपा सुप्रीमो और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, तीनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर बैठ के तय करेंगे कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हमारी अपनी रणनीति, कहां जा रहे हैं तीनों? देखिए, कयास क्या लगाए जाते हैं, और कयास तो नहीं, अभी आपने कुछ बताया कि तीनों कहीं जा रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया, कहां जा रहे हैं? तीनों मिलकर बात करेंगे जी, तीनों मिलकर बात करेंगे इस पर, गठबंधन में किसको कितनी सीटें, कहां होनी है ये बैठक, कहां होनी है, कब होनी है, आपको सारी रणनीति बता दें क्या? आपने अजीत सिंह को बाहर कर दिया, हम मोदी जी को किस, मोदी जी के खिलाफ किसको लड़ाएंगे, आपको अभी से बता दें क्या? आपने अजीत सिंह को क्यों बाहर कर दिया? हमारे मोदी के खिलाफ आपके यहाँ कोई लड़ने वाला है भी क्या? बराबर बोलते हैं ना, आप बीजेपी प्रवक्ता के में नहीं बोलते, बराबर मेरे में बोलते, मेरा स्टेटमेंट सुनिए। हमारे तीन दलों के गठबंधन से इतना दर्द, और शेर 46 दलों के साथ चल रहा, ये पहला शेयर है जो 46 दलों के साथ चलता। बाहर कर दिया। अरे 46 दलों के साथ गीदड़ चलता है, शेयर नहीं चलता। आप उसके साथ भी गठबंधन में हैं जिसने भारत का तिरंगा जलाया, आप कश्मीर में उसके साथ भी गठबंधन में हैं जो आतंकियों को मुआवजा देते हैं। हमारे गठबंधन तकलीफ है बताते, हमने काम नहीं किया। आप मुख्यमंत्री की सीट हार गए, यानी आपने भी काम नहीं किया। आप उप मुख्यमंत्री की सीट हार गए, दोनों को मिला दो तो मोदी जी हार गए, यानी आपने काम नहीं किया। आप कैराना नूरपुर हार गए, यानी आपने काम नहीं किया। आप गुजरात को नाको चले चबा गए, सरकार बन गई। आप बताइए जितेंद्र वर्मा जी, कितने साल आप, सुनिए सुनिए, अब आपने कहा, सुनिए एक मिनट, जितेंद्र जी से एक सवाल का जवाब ले लें। आप लोग राजनीतिक दल के लोग हैं कि आतंकी संगठन के लोग हैं? भाई राजनीतिक दल के लोग हैं, रणनीति तो पब्लिक में ही आती है आपकी। नहीं, आपको क्या आतंकी संगठन के लोग लगते? आप जो कह रहे हैं कि हम किसको लड़ाएंगे, आपको बता दें, आप चुनाव लड़ेंगे भी देश भारत देखे? का तिरंगा जलाने वाले के साथ अगर गठबंधन करेंगे तो उंगलियां उठेंगी। वो तो उठेंगी, वो तो सवाल उठाइए, उठनी भी चाहिए। गठबंधन करेंगे वो सवाल तो उठनी उठाइए, बिल्कुल उठाइए, जायज बात है। आप राष्ट्रवादी बताते हैं अपने आप को जी? किशोर कुमार, राष्ट्रवादी बताते हैं ना, किशोर कुमार मालवीय जी, क्यों आप जी? इन्होंने कहा कि भाई तीन इनके नेता बैठेंगे और वो तय करेंगे, मतलब मुझे लगता है कि अजीत सिंह को ये किनारे करके चल रहे हैं, मायावती कांग्रेस को किनारे करके चल रही है, सपा रालोद को किनारे करके चल रही है। गठबंधन होगा कैसा हो, और ये होगा भी? सुन लीजिए,
गठबंधन से बड़ा तकलीफ है लोगों को, बनेगा। जितेंद्र जी सवाल आपसे नहीं है ना, आपसे सवाल पूछूंगा तो बोलिएगा ना। अच्छा अच्छा ठीक 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 है ठीक ठीक हाँ जी जी। किशोर मालवीय जी, देखिए मैं इस पे कुछ बोलूं इससे पहले, आपको ब्रेक के पहले आपने कहा था कि मायावती जी के का जो वोट परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा था, लेकिन वोट परसेंट वोट जो है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। आज उससे बेहतर स्थिति होगी इसकी गारंटी तब तक नहीं है जब तक ये सारे मिलकर नहीं लड़े, क्योंकि एससी एसटी कानून की वजह से सवर्ण इनके साथ नहीं है, और वो इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में थे मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को सवर्णों के वोट भी मिले थे, सिर्फ दलितों के वोट नहीं मिले थे, और दलितों के वोट तो बल्कि बढ़ गए थे, आपको पता होगा जाटव और वर्सेस वाल्मीकि में। तो इस बार वोट परसेंटेज, सिर्फ वोट परसेंटेज की वजह से वो सौदे की बात कर रही हैं और सम्मानजनक डील की बात कर रही हैं। दूसरी बात है कि गठबंधन की जो कोशिश है इसमें कोई शक नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि इनकी हर संभव कोशिश है कि गठबंधन हो, जितने भी अड़चन आए उसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये इनको पता है कि अगर बीजेपी का मुकाबला करना है या जो इनका ऑब्जेक्टिव है कि बीजेपी को हराना है उत्तर प्रदेश में, तो इनको मिलकर लड़ना ही होगा, क्योंकि एक एक कर धीरे धीरे छोटा ही सही लेकिन स्पीड ब्रेकर आ जा रहा है, आ जा रहा है। हाँ। स्पीड ब्रेकर जैसे शिवपाल जी एक स्पीड ब्रेकर है, अब चंद्रशेखर आजाद रिहा हो गए, अब चंद्रशेखर आजाद ने हाथ बढ़ाया मायावती जी की ओर और कहा कि वो मेरी बुआ हैं, जिसको कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो अब वो भी एक स्पीड ब्रेकर हो सकता है अगर वो उतर आए मैदान में कि दलित के नेता तो असली हम हैं जी, क्योंकि आपने तो दलितों के लिए कुछ किया नहीं, तो वो इनके लिए मुसीबत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश जी का जो जिस तरह का बयान है और जिस तरह का रुख है उनका, वो पूरी तरह से मायावती जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के पक्ष में है, और ये कुछ न कुछ संगठन के महागठबंधन बनाने की कोशिश में सफल होंगे। हालांकि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ऐसा ना हो, लेकिन ये भी अपने अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। ठीक, जितेंद्र वर्मा जी से हमने पूछा कि भाई कितनी सीटें सम्मानजनक होती हैं और कितनी से कम सीटें हो जाती हैं तो अपमानजनक, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सारी रणनीति बता दें, हम ये बता दें कि मोदी जी के खिलाफ कौन लड़ेगा। मैं हैरान हूं ये सुन के। तो भैया जब आप उम्मीदवार उतारिएगा तो उसका कुछ नाम पता नहीं बताइएगा लोगों को, जब आप सीटों का बंटवारा कीजिएगा तो सुनिए जितेंद्र जी, सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिएगा मौका मिलेगा। जब आप सीटों का बंटवारा कीजिएगा तो गुप्त रख लीजिएगा, कॉमन झंडा बना लीजिएगा गठबंधन का, कांग्रेस का झंडा नहीं आएगा, बसपा का नहीं आएगा, समाजवादी पार्टी का नहीं आएगा, एक कॉमन चुनाव चिन्ह भी अलॉट करवा लीजिएगा क्या, कि किसी को पता ही नहीं चले किसको कितनी सीटें मिली। गुप्त लोगों को चुनाव लड़ाइएगा जिनका नाम पता ही नहीं हो, कैसी बात कर रहे हैं साहब आप। चलिए ठीक है, सैफ अली नकवी साहब, क्या कुछ ऐसी नकवी साहब, साहब मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि कितनी सीटें होती हैं जो सम्मानजनक कैटेगरी में होती हैं, कौन कितनी सीटें होती हैं जो अपमानजनक हो जाती हैं। देखिए बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी निश्चित, पर आज के राजनीतिक दौर में और आज के गठबंधन के एनवायरमेंट में जिस तरीके की एक महागठबंधन का माहौल बन रहा है, ये गठबंधन सिर्फ पार्टी के बीच नहीं होगा, ये गठबंधन उसूलों के बीच नहीं होगा, ये गठबंधन विचारधारा का होगा, ये गठबंधन हर उस भारतीय के लिए होगा जो आज परेशान है। आज हम कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए जो जनता कह रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बहुत मुश्किल हो गया इस मनमौजी को समझाना, आज तेल रफेल के खेल में जनता पिसरी है, आज महंगाई के खेल में जनता पिसरी है, आज जिस तरीके से आरएसएस ने कांग्रेस की तारीफ कर दी तो नरेंद्र मोदी जी को बर्थडे का तोहफा तो दे ही दिया है आरएसएस ने कि अब तो संभल जाओ। और आपको आपको ये बताना चाहता हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाजपा जो है सत्ता के नशे में चूर हो गई है और उनका सत्ता का नशा इतना भाजपा क्या हो गई इससे आपके गठबंधन का क्या लेना देना। मायावती जी कह रहे हैं सम्मानजनक सीट है, इससे भाजपा के सत्ता में चूर होने का क्या मतलब है। आप अपने अंदर की बात कीजिए ना साहब, वो करिए हम नहीं करेंगे, सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो सम्मानजनक होता क्या है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। आप लोग हर पार्टी अभी महाराष्ट्र में पूछ लेंगे सम्मानजनक,
हर पार्टी आप यूपी में तो बता नहीं पा रहे हैं, कहां महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, यूपी बता दीजिए जहां आपका संगठन अब रही बात ना, महाराष्ट्र में क्या स्वरूप होगा शिवसेना बीजेपी के गठबंधन का? हाँ ठीक है, और टीडीपी क्यों टूट गई? वो कर लेंगे, वो चिंता छोड़े ना, महाराष्ट्र की चिंता करने में नहीं बैठे हैं। 46 दल के साथ अपना लड़ रहे हैं, शेर बता रहे हैं, महाराष्ट्र का आप बता दें। हाँ, इनको दूसरों के गठबंधन से बड़ी परेशानी है, मतलब दूसरा डर के गठबंधन करता है, ये इतने बहादुर थे कि 46 लोगों से गठबंधन कर लिया और दूसरा अगर कर ले तो डर गया है। रणनीति क्यों बता दें? ये तो भाजपा की चालाकी है, खुद 46 दलों के साथ सरकार चलाएं बड़े बहादुर, लेकिन दूसरा अगर गठबंधन करता है तो डरपोक है। अजीत जी हाँ, मोदी विरोध बताते हैं। अजीत जी पीडीपी ने पीडीपी के साथ में गठबंधन इनका टूट चुका है, पीडीपी के साथ में आंध्रा में टूट चुका है, जीतन राम मांझी जी के साथ में गठबंधन इनका टूट चुका है, इनका गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ में टूटने वाला है, नागा पीपल्स फ्रंट के साथ में 15 साल पुराना गठबंधन इनका टूट चुका है, इनका ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में गठबंधन टूट चुका है। 7 पार्टियों के साथ में पिछले 6 महीने में भाजपा का गठबंधन टूट चुका है, ये डूबती हुई नाव है, ये इन्हीं के गठबंधन के पुराने लोग बता रहे हैं। देश की जनता तो इनको उपचुनाव में नूरपुर, कैराना, गोरखपुर और फूलपुर में बता चुकी है, अब इसमें जनता इनको माफ नहीं, जनता भाजपा को साफ करने जा रही है। गठबंधन जो है ये जिस स्वरूप में भी होगा एक बुलंद इमारत बनेगी और कांग्रेस की नींव के ऊपर ये बुलंद इमारत बनेगी। ठीक है, अच्छा संजीव मिश्रा जी भाई देखिए रणनीतियों का खुलासा आप लोग मत कीजिए विजिए, लेकिन जिनसे उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, हमारे नकवी साहब कह रहे हैं कि विचारधाराओं का गठबंधन है, तो मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूं राजनेता लोगों ने क्या समझ लिया इस देश को। जो समाजवादी आंदोलन खड़ा ही हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उस समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से विचारधारा के आधार पर गठबंधन होगा? तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका जम्मू कश्मीर में गठबंधन हो गया और सरकार आप लोगों ने बना ली, या बाकी कई ऐसे दलों से जैसे महाराष्ट्र में जिनको आप लोगों ने हफ्ता वसूली करने वाला बताया उससे आप लोगों ने गठबंधन कर लिया, नीतीश कुमार को आपने कहा कि जीत गए तो पाकिस्तान में दिवाली मन जाएगी उनसे भी आपने गठबंधन किया, ये ठीक वैसा ही गठबंधन है विचारधारा के आधार पर कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से गठबंधन, ये ठीक वैसा ही गठबंधन है। लेकिन साहब क्या सितना जी, हाँ दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो सपने देखने का हक तो सबको है, और जब ये सपने ही देख रहे हैं, मैंने तो शुरू में ही कहा आपके बड़े चैनल पे कि जनता के हितों की कितनी लड़ाई लड़ दी, जरा वो भी बता देते कौन से ऐसे काम किए जनता के हितों के जिसमें जनता आज आपके साथ हो। तो मैंने तो कहा था ये हताश और निराश दलों का गठबंधन है, जो ये नहीं ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला ये कर ही नहीं सकते, कि मुद्दे ही नहीं है इनके पास, और इस तरीके की स्थितियां हो गई कि अब ये इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि उस तरीके से चैनल पे क्या क्या कहे जा रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि आपको भी उन्होंने कह दिया कि हम ये नहीं बताएंगे वो नहीं बताएंगे, लेकिन है भविष्य मुझे कह दिया। दरअसल में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं, मुझे लगता है ये सब भविष्य वक्ता है, इनको भविष्य का बड़ा ज्ञान है, और ये बताने के लिए तैयार है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, वहां क्या होने जा रहा है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बड़े भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने तो 50 साल के लिए भविष्यवाणी कर दी। 18 राज्यों में उत्तर प्रदेश 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है, देश में शासन कर रही है, और बेधड़क शानदार शासन कर रही है, जनता खुश है। तो जनता के खुशी के लिए कुछ किया होता, जनता के हितों की लड़ाई लड़ी होती, या जनता की कसौटी पे खड़े उतरे होते, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ये बताइए कि मतलब चुनाव पूर्व या चुनाव बाद मायावती से कुछ गठबंधन का इरादा है क्या भाजपा का? गठबंधन कर ले। सुनिए ना संजीव मिश्रा जी, मुख्य मुद्दे पर आइए ना, आप लोग इधर उधर की बातें बहुत घुमा देते हैं। चुनाव से पहले या चुनाव बाद तो पड़ेगा, मायावती जी से कोई पॉलिटिकल सेटिंग है क्या बीजेपी की, करनी है क्या कुछ सेटिंग? देखिए मायावती जी से भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी तरीके की गठबंधन क्यों, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है, क्योंकि हम काम पे विश्वास करते हैं, और हमने जो विकास किया उत्तर प्रदेश का और देश का है, हम उस आधार पर लोकसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। हमने अपनी रणनीति तय कर ली, हम बूथ स्तर तक
किस तरीके से हमें इस चुनाव में उतरना है, हम उस पर लगे हुए हैं। ये ठगबंधन और गठबंधन, हताश और निराश लोगों को जाने कि ये क्या करेंगे। हम तो अपने विकास के एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और देश में 2019 में हम बंपर वोटों से जीत करके जनता के साथ खड़े होंगे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ेंगे। बोलिए नकवी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है नकवी साहब, जनता तो एक ऐसी गोटी है कि बस नेताजी को कुछ कहिए नहीं कि जनता 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 और जनता किस हाल में, किस हालत में है सबको पता। नकवी साहब, अशित जी, जो जो देखिए स्वप्न भाजपा एक कुंभकर्ण की नींद में सोते हुए देख रही है और नेपथ्य में कोताहल कर रही है, मुझे इस बात पे अचरज होता है कि इन्हीं के लोग जब भविष्य की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाजपा 50 साल रहने वाली है, इन्हीं के लोग कहने वाले हैं कि मोदी जी 20 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता को मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप नकवी साहब उन सब मुद्दों पर मत जाइए ना, उन सब मुद्दों पर मत जाइए। देखिए मुद्दा क्या है भाई, सीधा सवाल है कि कितनी सीटों का मतलब सम्मानजनक। अगर मायावती जी के लिए 40 सीटों का मतलब है सम्मानजनक, तो क्या कांग्रेस के लिए 10 सीटें अपमानजनक नहीं है? मुद्दे पर आप लोग आइए ना सर, कहां दाएं बाएं घूम रहे हैं जितेंद्र वर्मा जी। लड़ाइए, देखिए अगर देखिए सम्मान सम्मान इज्जत उसूल अदब तहजीब ये कांग्रेसी कल्चर है, भाजपा के डीएनए में। अरे भाजपा की बात क्या हो रही है, बसपा की बात हो रही है? भाजपा ने थोड़ी आपको कुछ कहा है, सम्मानजनक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल बीएसपी ने किया ना, इसे किया है उनके साथ जितेंद्र वर्मा जी। ठीक है ठीक है, आप रुक जाइए रुक जाइए, डीएनए ना बताओ, डीएनए अपनी देखो, डीएनए के चक्कर में ना पड़ो। जितेंद्र वर्मा जी उनका तो सुनिए आप रुक जाइए, जनता अपने दिल को हार चुकी है। कर्नाटक हार गए, पंजाब हार गए, बिहार हार गए, दिल्ली हार गए, इंडिया हार गए, आप हारते चले जा रहे हैं। आप लोग अब रुक जाइए ना, अपनी बात कीजिए। ठीक है ठीक है, ये मुद्दा नहीं है ना, रुकिए, इन सब पर बहुत चर्चा हो चुकी है सर। सर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप दोनों लोग चुप हो जाइए। इनका आपको पता ही नहीं है, इनका आप डीएनए की बात कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, अरे चुनावी इतिहास पढ़ने थोड़े यहाँ बैठे हैं, रुक जाइए आप लोग। आप गलत बोलने का तो रोकना पड़ेगा, गलत बात नहीं आने दी जाएगी, बहुत बड़े चैनल पे गलत बात नहीं आने दी जाएगी। जीरो बटे सन्नाटा हो चुके हैं। ठीक है ठीक है, आप दोनों लोग बोल रहे थे इसलिए दर्शक किसी की बात नहीं सुन पाए। आप रुक जाइए, आप उत्तर प्रदेश में है क्या, इनका टाइम आप हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीरो बटे सन्नाटा क्या होता है, भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनके प्रधानमंत्री को दो महीने में 8 बार आना पड़ता है। गठबंधन के मसले पर आपके पास बोलने के लिए क्या है लखनऊ जी, शर्तें बीएसपी लगा रही है, जवाब आप भाजपा से मांग रहे हैं, आपके पास क्या है बोलने के लिए गठबंधन के मसले पर? आप लोग सुनिए सर, मुद्दे को भटकाइए मत ना, सवाल पर आप लोग आ नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां कहां की बातें शुरू हो गई। चुनावी इतिहास भूगोल पढ़ने थोड़े ही हम बैठे हैं यहाँ, मुद्दा बड़ा सीधा है कि भाई सम्मानजनक अपमानजनक, तो फिर उसमें आपकी क्या स्थिति होगी जितेंद्र वर्मा जी? अगर मायावती जी के लिए सम्मानजनक 40 सीटें हैं तो उससे कम सम्मान समाजवादी पार्टी का है क्या कि वो 30 सीटों पर ही मान जाए? समाजवादी पार्टी का सम्मान कितनी सीटों तक है ये बताइए। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा ये सब चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तय करेगा और सबको बताएगा भी, सबको बताएगा किसको कितनी सीटें मिल रही है, कौन कितनी सीटों पर कहां कहां से लड़ रहा है। मतलब आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है, जो मिल जाए लड़ लेंगे। सुन लीजिए पूरी बात महाराज, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कहां से कौन लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसका मीडिया में हम पहले से खुलासा अपनी रणनीति का नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज, बीजेपी जब जब सत्ता में आती है फिर बीजेपी इसमें कहां से आ गई, गठबंधन आपका है। अरे भाई बात तो सुनिए आप, इसमें बीजेपी कहां से आ गई, गठबंधन आप लोगों को करना है। इनका भाषण आप सुनिए सुनिए, जितेंद्र वर्मा जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीन हो गया है। जितेंद्र वर्मा जी सुन लीजिए, जितेंद्र वर्मा जी पहली बात तो ये कि साहब लाजा तो जरा ढंग का इस्तेमाल कीजिए, आप टीवी डिबेट में बैठे हैं, किसी नुक्कड़ पर थोड़े ही बैठे हैं लड़ाई करने। अरे नुक्कड़ संजू में कितनी अदर से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और आप ऐसा लग रहा है मुझे धमकी दे रहे हैं। 4 मिनट बोलते हैं, बोलिए ना जितेंद्र जी, नहीं डरूंगा ना आपसे, नहीं डरूंगा। बोलेगी देश की जनता को बताना नहीं पड़ेगा जितेंद्र जी, आपका चैनल इसीलिए तो है जितेंद्र जी, देश की जनता को सच बताए। अब सुनिए सच क्या है मैं बता रहा हूँ, मुझे काम नहीं करते झूठ बोलते, 15-15 साल के लिए सत्ता से बाहर चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं 15 साल सत्ता से बाहर?
अरे तो इसका आपके गठबंधन से क्या लेना देना है? क्या इसलिए मायावती जी शर्तें थोप रही हैं? कमाल है भाई, आप मुद्दे पर आइए ना। जितेंद्र जी क्यों विषय से भटक रहे हैं? क्योंकि गठबंधन पर बोलने की हैसियत में आप लोग नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप क्यों भटक रहे हैं। आप मेरी डिबेट में परमानेंट बोलते हैं। ठीक जितेंद्र जी, अब सुनिए क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ दो कि भैया विकास कहाँ है। बोलते हैं मेरी डिबेट में। जितेंद्र जी साहब, बड़ी इज्जत से पेश आ रहा हूँ। मैं भी सर इज्जत से ही कह रहा हूँ। हाँ, कि आप रेगुलर जितेंद्र जी, जितेंद्र जी सीमाएं मत लांघिए। आप हमारे लिए जरूरी नहीं है। आप हमारे लिए जरूरी नहीं है जितेंद्र जी। मैं फिर कह रहा हूँ, साजिश है, हमको बता दीजिए ये कौन सी साजिश है। ठीक है जितेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बंद कीजिए इस तरह की बातें। मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए विकास कहाँ, तो कहेंगे सियाचिन में -14 डिग्री सेल्सियस में जवान काम कर रहे हैं। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आ रही है? पाकिस्तान में रोज घुसपैठ। अरे मुद्दे पर कभी भाजपा के लोग भी नहीं बोलेंगे। जैसे ही आप पूछ दीजिए हमारे सामने का नाला क्यों नहीं ठीक हुआ सियाचिन में जवान, तो सियाचिन में क्या पहली बार बर्फबारी हो रही है आपकी सरकार आने के बाद? अरे तो वहां हमेशा जवान रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी पूछ दीजिए कि भैया आप बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे कैसे, तो इनको फोबिया हो गया आप बीजेपी का। बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, बीजेपी आई ऐसे हो गई। भैया क्यों वही सियाचिन वाला जवाब आप भी दे रहे हैं? इनसे विकास पूछो तो ये सियाचिन पहुंच जाते हैं। आपसे पूछो कि आपका गठबंधन कैसे होगा तो आप भाजपा पर पहुंच जाते हैं। जैसे भाजपा कोई आपको सीटें आवंटित कर देगी, तो भाजपा इतनी सीटें आवंटित कर देगी, जाकर लड़ लो। गठबंधन हमारी पार्टियां तय करेंगी सर। तो आप पार्टी से ही है ना, तो अगर प्रवक्ता ये बताने की हैसियत में नहीं है तो उस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है। न्यूज चैनल तय नहीं करेंगे। नहीं, वो हमको इतनी फुर्सत भी हम चैनलों को नहीं है कि जाके आप यहाँ तय करते हैं। उकसाए और हम उकसाने में आ जाए और हम बता दें कहाँ से मोदी के खिलाफ आपको पता ही नहीं है भाई, और कितनी सीटें हम कहाँ से लड़ेंगे, क्यों बता दें हम आपको? आपको पता ही नहीं, बताया हम प्रेस करेंगे, गठबंधन तय होगा। नकवी जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हम प्रेस करेंगे। अच्छा ठीक है, आपके सहयोगी हैं नकवी जी, उनको बोल लेने दीजिए। बोलिए नकवी जी। देखिए ये 2019 का जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश की तकदीर लिखने का चुनाव है। हर जिम्मेदार पार्टी जानती है देश के एक नागरिक का दर्द। जिस तरीके से महाभारत में अभिमन्यु को कौरवों ने घेर तो लिया था, पर याद रखिएगा महाभारत में जीत जो है श्री कृष्ण की हुई थी। धर्म की जीत हमेशा होती है। हम बहुत जिम्मेदारी से सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बताना चाहते हैं कि देखिए गठबंधन का स्वरूप अभी तैयार होना बाकी है। और गठबंधन में जिस तरीके से सारी पार्टियां हमारे साथ पिछले कुछ महीनों में जुड़ रही हैं, एक हो रही हैं, चाहे वो कर्नाटक में जुड़ी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में छोटी पार्टियां जुड़ रही हों, मध्य प्रदेश में जुड़ रही हों, अभी इसका स्वरूप बनना बाकी है। हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि देश की जनता और देश आज बदलाव चाहता है। देश की हवा में बदलाव है और हर पार्टी, चाहे वो कोई पार्टी हो, आज हवा का रुख समझ चुकी है। हाँ, जब बात होती है कि गठबंधन में कितनी सीटें होंगी, गठबंधन में किसको क्या मिलेगा, मैं समझता हूं ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है। हाँ, लेकिन इसके बारे में मैं तो कह ही नहीं रहा हूं किसको कितनी सीटें मिले। मैं बस ये जानना चाह रहा हूं सम्मानजनक सीटों का कोई तो पैमाना होता होगा। पार्टी वो दूसरी तरह से सीट जानना है ना, आप घुमा के कह रहे हो बात को। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा और तब तक हम लोग को समझना पड़ेगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक ठीक, चलिए जितेंद्र जी धैर्य खो दे रहे हैं बार बार। धैर्य अच्छा नहीं खो रहे हैं, आप घुमा के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सीट जान लेना चाह रहे हैं। सीधे पूछ रहा हूँ, कहाँ घुमा रहा हूँ मैं, सीधे पूछ रहा हूँ पैमाना क्या है, इससे ज्यादा सीधा क्या पूछा जाए बताइए। नहीं नहीं, आप सम्मानजनक सीट पूछोगे जब तो हम संख्या बताएं, ठीक है, और फिर उस संख्या को बिग ब्रेकिंग आप चलाओ। संख्या पर ही तो आपकी लड़ाई होनी है, जा रही है संख्या पर ही तो अभी तक जीत है, संख्या पर ही तो लड़ाई होनी है, अंतिम फैसला संख्या पर ही तो नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो बात संख्या की ना करें तो क्या करें? बताइए किशोर कुमार मालवीय जी, किशोर कुमार मालवीय जी आपके पास आ रहे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम लोग भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वाह, अरे ये हैरान और परेशान है, इनसे बार बार उस बात को कहने से कोई फायदा, इनकी कोई रणनीति नहीं है तो बताइए। जितेंद्र जी को पानी वानी पिलवाइए आप लोग, थोड़ा कूल हो जाए। वो तो कहराना गोरखपुर में पता चल गई ना रणनीति। हाँ हाँ, अभी रणनीति आ गया और पता चलेगी। ठीक ठीक ठीक, और गुस्साइए उसाइए मंत्री जी, हार गए
गुस्साइए उसाइए मत, क्या है ना कि कभी किसी सर नहीं नहीं मैं तो सत्यता बयान कर रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ गुस्साइए उसाइए मत, डांटिए वाटिए मत, पैदल पत्रकार हूँ, कभी किसी सत्ता का करीबी नहीं रहा, इसलिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी के सत्ता में आने किसी के विपक्ष में जाने से, इसलिए गुस्साइए उसाइए मत। किशोर कुमार मालवीय जी आपके पास आ रहा हूँ, एक हालांकि ये विषय थोड़ा अलग है लेकिन इधर लगातार बहसों से मैंने ये बात महसूस की है, कुछ दिनों पहले तक आपने महसूस किया होगा कि सवाल जब मूलभूत सुविधाओं जरूरतों पर उठाइए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सीधे सियाचिन पहुंच जाते थे, ऐसा लगता था कि पहली बार जब इनकी सरकार बनी तभी सियाचिन बना, तभी सियाचिन में बर्फबारी हुई और तभी सियाचिन में सेना भी पहुंची, उससे पहले सियाचिन था ही नहीं। जैसे ही पूछिए नाला क्यों नहीं बना, सियाचिन में सेना के जवान है, पानी क्यों नहीं मिल रहा, सियाचिन में सेना के जवान है, हमें बिजली क्यों नहीं मिलती, सियाचिन में सेना के जवान है। वही हाल मौजूदा विपक्ष का हो गया है, सवाल कुछ भी पूछिए बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ऐसी है बीजेपी वैसी है, पूछिए भाई कि शिवपाल जी क्यों नाराज है, बीजेपी की सरकार बहुत खराब है, पूछ लीजिए मायावती जी ने गठबंधन पर ऐसा क्यों बोला, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, मतलब आम की जगह सिर्फ इमली की बातें सब लोग क्यों कर रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पहले यह समझना होगा कि जो मायावती की राजनीति को समझते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सम्मानजनक क्या होता है, इसका जवाब सिर्फ मायावती दे सकती हैं, अखिलेश जी भी नहीं दे सकते क्योंकि सम्मानजनक जो शब्द है वो उन्होंने उछाला है, तो वही बताएंगे कि सम्मानजनक क्या है। इसलिए जितेंद्र जी जो कह रहे हैं कि पार्टी में तय होगा, इसके खिलाफ जो मायावती को जानते हैं इसके खिलाफ अखिलेश जी भी नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उनको गठबंधन चलाना है, उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत है। दूसरी बात आपने कहा कि ये लोग अपनी बात क्यों नहीं करते हैं, ये डेविएट क्यों करते हैं, उसकी वजह है कि सरकार के पास तो जवाब देने का नहीं है कुछ, जो सरकार सत्ता में है अगर अपराध हो रहे हैं तो क्या कहेंगे, वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में भी अपराध होते थे, और जो समाजवादी पार्टी में है या जो विपक्ष में है अभी आप उनसे अगर कोई सवाल पूछें तो वो बीजेपी पर इसीलिए अटैक करते हैं क्योंकि उनका अभी कॉमन एजेंडा बीजेपी हटाना है, और जाने अनजाने ये गलती भी कर रहे हैं, इन्होंने एकमात्र एक मुद्दा, अभी तो ये कह रहे थे कि महंगाई है ये मुद्दा है, नकवी साहब कह रहे थे कई मुद्दे गिनाए, लेकिन दुर्भाग्य से अभी ये जो यूपी में गठबंधन कर रहे हैं ये इन सारे मुद्दों को पीछे रखकर, हो सकता है चुनाव में आगे लाएं, अभी ये सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों को हटाना है, सांप्रदायिकता को खत्म करना है, यानी आप जानबूझकर बीजेपी को मौका दे रहे हैं उन मुद्दों को लाने का जो वो चाहती है, ताकि पूरा का पूरा पोलराइजेशन हो जाए हिंदुत्व वर्सेस नॉन हिंदुत्व, तो बीजेपी तो यही चाहती है, अब जाने अनजाने आप ये कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी, सैफ अली नकवी जी और जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र वर्मा जी पानी वानी पी के निकलिएगा साहब, रास्ते में भी किसी से लड़ाई झगड़ा मत कर लीजिएगा, आराम से जाइए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। इस पूरी बहस में हम और आप क्या समझ पाए, देखिए मैं जो समझ पाया वो यही समझ पाया, दरअसल हम और आप वोट बैंक हो जाते हैं, किसी खास जाति की वजह से हो जाते हैं, किसी खास नेता के लिए हो जाते हैं, किसी खास धर्म की वजह से हो जाते हैं, फिर हम देश का ईमानदार नागरिक नहीं रह पाते। देश के प्रति ईमानदारी दिखानी है तो देश का ईमानदार नागरिक होके देश के लिए सोचिए, जाति धर्म मजहब मंदिर मस्जिद इन मुद्दों पर मत सोचिए। देखिए ये नेता हमारा आपका सौदा नहीं कर पाएंगे और हमारी आपकी बदौलत अपने सम्मान की कीमत नहीं तय कर पाएंगे। नमस्कार।